लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है जहां कन्हैया कुमार को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया है। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि थप्पड़ मारने का एक शख्स ने दावा किया है कि भारतीय सेना का कन्हैया कुमार ने अपमान किया है, आतंकी का बचाव किया है, इसलिए उस शख्स ने थप्पड़ मारा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यही वो वायरल वीडियो है जिसमें आप देखें कन्हैया कुमार जो लोगों से मिलने के लिए लोगों के बीच पहुंचे थे, उसी वक्त एक शख्स जो है वो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार देता है। जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसका ऐसा इलाज करेगा। आगे से पूरे देश में ये वीडियो जानी चाहिए। जो उदाहरण ये हमने उदाहरण सेट कराया कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा, जो अफजल जैसे आतंकवादियों को कहता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है, उसका यही इलाज होगा भाई। और मेरे साथ न्यूज 18 संवाददाता शिवम प्रताप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, कौन है ये शख्स और हालांकि इसने साफ किया है कि थप्पड़ क्यों मारा है, लेकिन क्या कुछ और सच्चाई इस वीडियो में? देखिए, मारने वाला युवक गो रक्षा का काम करता है। काफी लंबे समय से वो एक संगठन के तौर पर हिंदू रक्षा समिति नाम का एक संगठन स्वयं चलाता है, लेकिन विशेष तौर पर उसकी कोई पहचान नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि ये हमला प्रायोजक था, बीजेपी की तरफ से था। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश करें हम डरने वाले नहीं है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि वीडियो बनाने वाले ने बाकायदा प्लानिंग के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कन्हैया कुमार दिल्ली के नंदपुरी में ब्रह्मपुरी का जो वार्ड है 202 उसमें कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दौरान अचानक से ये शख्स माल्यार्पण के बहाने पहुंचता है और वहां पर कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा, उनके साथ एक तरीके से आपाधापी की इंक जो स्याही है वो भी फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि लोगों ने और समर्थकों ने कन्हैया कुमार के वहां इसको पकड़ लिया, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई पुलिस को शिकायत कन्हैया कुमार या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। बनाने वाले ने जो जिसने भी ये पूरा मामले को अंजाम दिया है उसने अपना वीडियो जारी किया है बाकायदा कि उन्होंने किस लिए मारा, उनका मोटिव क्या था। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अब क्योंकि वीडियो वायरल हो गया है, सभी न्यूज चैनल्स पर है, ऐसे में दिल्ली पुलिस स्वयं सुओ मोटो लेकर कन्हैया कुमार से पूछ सकती है क्या वो इस मामले में कोई कार्रवाई चाहते हैं और उसके बाद उक्त व्यक्ति पर जो आरोपी है उस पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शिवम, लेकिन जो शख्स है उसके बारे में और क्या कुछ अब तक जानकारी निकलकर सामने आ पाई, इसके पीछे की वजह क्या कुछ रही? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक जो प्रथम दृष्टा जानकारी है वो ये है कि उक्त युवक बीते लंबे समय से जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें एक्टिव रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की एक कोशिश थी, जिस तरीके से एक व्यक्ति साहब ने वीडियो बनाया और बार बार ये व्यक्ति कह रहा है कि वो एक्टिव है, वही देश हित की बात कर रहा है। कन्हैया कुमार का कोई बयान अब तक सामने आ पाया? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कार्यालय से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनके साथ जो इस तरह कन्हैया कुमार कैंपेनिंग में भेजी है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी कार्रवाई को लेकर कुछ सोचा नहीं है, अपने समर्थकों से बात की जा रही है, जनता का जो मन होगा वो इस मामले में करेंगे, विशेष तौर पर अभी वो कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोच रहे। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। तो देखिए, लोकतंत्र में नेताओं के विरोध का अधिकार जनता को होता है, पर इस तरह से किसी पर हाथ उठाना या फिर कानून को अपने हाथ में लेना ये विरोध का जायज तरीका नहीं है। आप ऐसी हरकत ना करें और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करें। अपने वोट की चोट से आप अपना विरोध जता